हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमाचल रेड राइस चैनल पर स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे कीड़े के बारे में बताने जा रहा हूं जो धान पर बहुत नुकसान करता है। ये कीड़ा जो है प्रायः रेगुलर पेस्ट नहीं है, ये कभी कभी आता है और जब आता है तो बहुत नुकसान करता है। ये कीट जो है हम देखते हैं कि जो खेतों में धान की पत्तियाँ हैं उनको एक कैंची की तरह काट देता है। अगर आप खेतों में जाएं तो आप देखेंगे कि ये पत्तियां जो हैं कटी हुई पत्तियां खेतों में पानी में ऊपर तैरती रहती हैं, और इनको अगर ध्यान से देखें तो इसमें वो गोला करके से केस बनाता है और केस के अंदर पूरा इंसेक्ट जो है लार्वा जो रहता है और एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचता है और पौधों की पत्तियों खाकर काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो इसके बारे में, इस इंसेक्ट के बारे में, इस कीट के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस कीट का नाम पता लग जाए और कीट से प्रकोप से बचने के लिए हम क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं, क्या क्या केमिकल स्प्रे कर सकते हैं या कोई ऐसी विधि और भी अपना सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो इसके वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अजय श्रीवास्तव आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको इंसेक्ट के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करने वाला हूँ। चलिए, धान का केस वर्म, छोटे छोटे सफेद रंग के पतंगे केस बनाते हुए इनके लार्वे और केसेस में अपना जीवन निर्वाह करते हुए लार्वे पूरा जीवन चक्र इन्हीं केस में से होकर गुजार देते हैं। ये केसवर्म एक भयानक कीट बहुत ज़्यादा धान को नुकसान करता हुआ। यद्यपि यह एक स्पोरैडिक कीट है, लगातार नहीं आता, पर जब भी आता है बहुत नुकसान करके जाता है। देखिए फसल की क्या हालत बना रखी है। सारी की सारी फसल दरो पंचायत में एक किसान के घर में ग्रसित हो चुकी है केसवर्म से। इसे फसल को ध्यान से देखिए, कैंची की तरह पत्तों को काट दिया गया है और ये सफ़ेद रंग की हो गई है। दूर से ऐसा लगता है जैसे क्रॉप फसल जल सी गई है। इसे ज़रा नज़दीक से देखिए, पौधों को ये देखिए, पौधे सारे कटे हुए, हैवी डैमेज, पत्तों को ऐसा लगता है जैसे कैंची से काट दिया गया है, पत्ते पूरे सफ़ेद हो चुके हैं और नीचे पानी में तैरते हुए। केस बनाते हुए पत्तों का गोलाकार और उसमें इसकी इल्लियां अपना जीवन चक्र पूरा करती हुई तैरते हुए ये लीफ पत्ते एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हुए पानी में। अगर पानी को निकाल दें, निकासी अच्छी हो जाए तो इन कीटों से बच सकते हैं, अन्यथा हमें क्लोरपाइरीफॉस 2.5 ml प्रति लीटर का प्रयोग करना पड़ता है। प्रकाश पंच एक अच्छी विधि है, उसको अपने खेतों में लगाकर इन पतंगों को इकट्ठा कर सकते हैं। काफ़ी नुकसान केसवर्म द्वारा, केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी हम काफ़ी हद तक इनके नुकसान से बच सकते हैं। पर अगर सोच अच्छी रखें और अवेयरनेस रखें तो इन कीटों से बचा जा सकता है। सिर्फ पानी की निकासी करें और कीटों से बचें, अन्यथा स्प्रे का प्रयोग करना ही पड़ता है। देखिए ध्यान से, सारी क्रॉप जो है जल सी गई है, सफ़ेद हो गई है। कोई भी वैरायटी हो जो इंसेक्ट है वहाँ आ ही जाता है।
हिमाचल में केशवर्म का प्रकोप जगह जगह, जिन खेतों में पानी इकट्ठा रहता है और निकासी वहाँ नहीं हो पाती, वहाँ ये आता है और नुकसान पहुँचाता है। अभी आपने वीडियो को देखा और आप जान ही गए होंगे, इस इंसेक्ट को हम केशवर्म बोलते हैं। जैसा कि नाम है केशवर्म, पौधों की जो धान की पत्तियां हैं उनको यह मोड़कर केश बनाता है और उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है, और साथ ही साथ एक पौधे से दूसरे पौधे तक तैरता हुआ पत्तियों में जाता है और काफ़ी नुकसान करता है। प्रायः देखने में यह आया है कि जहाँ पानी खेतों में बहुत दिन तक खड़ा रहता है वहाँ ये नुकसान ज़्यादा करता है, क्योंकि ये पत्तियों के सहारे तैरता है और एक पौधे से दूसरे पौधे पहुँच जाता है। तो यहाँ अगर आप एक जानकारी लें, एक इसे पानी को निकाल दें, कुछ समय समय के बाद निकालें और दोबारा भर दें, तो इन जो कीटों का प्रकोप अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो पानी को बहुत दिन तक वहाँ खड़ा रखते हैं, जैसे नट वाले एरिया में पानी खड़ा रहता है, या कई बार जानते हुए भी अनजाने में भी वो पानी को वहाँ खड़ा रखते हैं और बहुत दिन तक पानी खड़ा रहता है और उसमें कीड़े पनपते हैं। तो पहली बात यह है कि पानी की वहाँ निकासी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कीड़ा जो है वहाँ पनपे ना। दूसरी बात, जब अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है। क्लोरपाइरीफॉस का स्प्रे करें, 1250 ml जो है ये लगता है एक हेक्टेयर में, मोटा मोटा कह सकता हूँ 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। और क्योंकि सीजन जो है बरसात का है तो आप पंप में स्टिकर डालना ना भूलें, ऐसा अगर कर लेते हैं तो आप इन कीटों से बच सकते हैं। और अगर आप खेतों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पतंगा होता है तो लाइट ट्रैप में ये आ जाता है और आप वैसे भी इससे बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।